ठीक है ना। मोल क्या है? मोल तीन तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, नंबर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मास में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और वॉल्यूम में। या अगर हमारे पास सपोज CO2 गैस है और इसमें क्योंकि ये गैस है तो ये तीनों ही फॉर्मूले लग सकते हैं। सपोज उन्होंने कहा हमारे पास CO2 गैस के 10 मोल्स है, 10 मोल्स ऑफ CO2 गैस एट STP। अब उन्होंने ये तीनों चीजें पूछ ली, बताओ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो बेटा वन मोल में नंबर होते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो वन मोल में 6.022 × 10²³³ मॉलिक्यूल्स हैं। तो मॉलिक्यूल्स अगर पूछे हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 10 मोल्स में, वन मोल में इतने मॉलिक्यूल्स थे और 10 मोल की बात की है तो इंटू 10 जो आंसर आना आएगा। अगर उन्होंने कहा नहीं मास बताओ, तो फिर आपको सोचना है वन मोल का मास कितना होता है। वन मोल का मास होता है मोलर मास इन ग्राम्स। तो अगर पूछा है मास ऑफ CO2 इन ग्राम्स इन 10 मोल्स, 10 मोल्स में कितने मास होगा, तो बेटा वन मोल का मास 44 ग्राम है, 10 मोल का मास पूछा है, मोल वर्ड हटा के 10 से मल्टीप्लाई। वन मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। अगर 10 मोल का वॉल्यूम पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इन लीटर फॉर 10 मोल, तो बेटा 1 मोल का वॉल्यूम इतना है, 10 मोल का वॉल्यूम इतने लीटर। तो ये तीन रिलेशन हम बता सकते हैं, यानी मोल्स को नंबर में भी बताया जा सकता है या नंबर्स को मोल में चेंज कर सकते हैं, मोल को ग्राम या मास में चेंज कर सकते हैं, और मास गिवन है तो मोल बना सकते हैं, और मोल से गैस का वॉल्यूम बता सकते हैं, या रिवर्स किसी गैस का वॉल्यूम गिवन है तो हम उससे मोल बना सकते हैं। तो ये मोल के मेनली तीन टाइप के कन्वर्जन हैं। ठीक है बच्चों, अब इन तीन टाइप के कन्वर्जन को हम और ज्यादा रिफाइंड वे में लिख रहे हैं। बेसिकली है तो यही चीज, लेकिन जितने टाइप से हम लिखते हैं उतने हमें क्लियर हो जाती है चीजें। सपोज मैंने यहां लिख लिया बीच में मोल, कि हमें मोल बनाना है। अब मोल का मतलब वही है एवोगैड्रो नंबर एंड सो एंड सो। अब हमारे पास किसी चीज का नंबर गिवन है, नंबर ऑफ एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, जिस चीज का भी नंबर गिवन है उससे मोल में चेंज करना है, उसी चीज को मोल में लाना है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर से। तो कोई भी अगर गिवन नंबर है उससे मोल बनाना हो तो उस गिवन नंबर को डिवाइड कर दो, एवोगैड्रो नंबर से मोल बनेंगे। और अगर वापस जाना है, मोल पता है और उस चीज के नंबर बताने हैं, उस एंटिटी के नंबर बताने हैं, तो मोल को मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, तो वो नंबर्स में चेंज होगी। फॉर एग्जांपल जैसे अभी था 10 मोल ऑफ CO2, बताइए मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो 10 मोल CO2 मॉलिक्यूल्स के ही थे। अब हमने 10 मोल से सिर्फ मॉलिक्यूल पूछा है, मोल वर्ड हटाना है, तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई किया। अगर किसी का हमारे पास मास नोन है, गिवन मास है, और बेटा इस मास वैल्यू को मोल में चेंज करना है, तो मास को अगर मोल में चेंज करना है देन वी हैव टू डिवाइड विद मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। अगर मॉलिक्यूलर मास की जो वैल्यू होती है उसके आगे ग्राम लगा दें तो मोलर मास होता है, इससे डिवाइड करें तो मोल बनेगा। जैसे CO2 के 1 मोल में 44 ग्राम है, और अगर रिवर्स जानना है कि किसी के मोल पता है लेकिन हमें उसके मास चाहिए, वेट चाहिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली मोलर मास से। अगर कोई गैस है और उस गैस का वॉल्यूम पता है लीटर्स में एट STP, और बनाने हैं हमें से उसके मोल, तो गैस के वॉल्यूम से मोल कैसे आएंगे, डिवाइड करना पड़ेगा 22.4 से, तो मोल आ जाएंगे, क्योंकि 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 है। गिवन वॉल्यूम को इससे डिवाइड करेंगे, मोल कितने हैं पता लगेंगे, और अगर मोल गिवन है और वॉल्यूम लाना है तो 22.4 से मल्टीप्लाई करिए, उस गैस का वॉल्यूम आएगा। बट रिमेंबर,
अगर कोई सॉलिड हुआ या कोई लिक्विड हुआ उसका वॉल्यूम गिवन है, तो बेटा उसके वॉल्यूम को पहले मल्टीप्लाई करिए डेंसिटी से, और अब ये वाली क्वांटिटी चेंज हो गई मास में, और अगर एक बारी मास आ गया तो यही वाला रिलेशन लगेगा। तो पॉइंट टू रिमेम्बर, कभी कोई वॉल्यूम सॉलिड या लिक्विड का गिवन है डायरेक्ट ये नहीं करना है, पहले उस वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मास में चेंज करना है, फिर मास का जो लॉजिक था वैसे निकालना है। एक और फॉर्मूला होगा वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन चैप्टर में या इसी चैप्टर के लास्ट वर्ड में मोलैरिटी एक टर्म है, तो मोलैरिटी अगर गिवन है और उसे वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई करें तो भी मोल्स आता है, बट ये चैप्टर के लेटर स्टेज में है, ये थोड़ा सा भी आगे आएगा। ये मोल के बेसिकली चार तरीके हैं, दिस वन नंबर से मोल बनाना, दिस वन मास से मोल बनाना, दिस वन वॉल्यूम से मोल बनाना, और ये मास से ही है, लेकिन पॉइंट टू रिमेम्बर ये सॉलिड या लिक्विड के लिए, वो गैस के लिए है। और ये जो चौथा तरीका है बच्चों, ये जस्ट नेक्स्ट एक दो टर्न के बाद आपको समझ में आएगा कंसंट्रेशन टर्म्स में मोलैरिटी से मोल्स कैसे बनते हैं। बोलो बेटा, ये चारों रिप्रेजेंटेशन आपको क्लियर है? ठीक है, तो ये खाली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, बट ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वही बच्चा कर सकता है। बच्चों एक तो ये देखने में अच्छे लगते हैं कि रिप्रेजेंट करने का तरीका, एंड सेकेंड थिंग इट कैन डन प्रॉपरली बाय द पर्सन हु हैज कंप्लीट नॉलेज, जिससे पूरी नॉलेज है वो इसे मैनिपुलेट करेगा, और जो बच्चा खाली रट के बैठा है वो इसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब चौथे वाले पॉइंट को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो दो तीन दिन बाद हमें पढ़ना है बेटा। नेक्स्ट अल्टीमेटली जो अभी हमने लिखा है उसकी शॉर्ट फॉर्म ये थी, मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन मोलर, सॉरी गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और अब अगर नंबर ले निकालना तो मल्टीप्लाई हो गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, और वो आपको ध्यान रखना है, अगर एटम है तो एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूलर मास होगा, और वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी फॉर गैसेस, और इसको डिवाइड करना है 22.4 से, तब मोल बनेगा। यही अभी हमने थोड़ा फ्लावर रूप में देख के थोड़ा एक्सटेंड करके बनाया था, अब हमने शॉर्ट में सिंपल भाषा में ऐसे लिखा है। नाउ अब बेटा हम पहले क्वेश्चन दिख करते हैं, कहां हम गलती करते हैं वो क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अधिकतर बच्चे गलत करते हैं, देखते हैं आप लोग करेंगे नहीं करेंगे। 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, दूसरा 10 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और तीसरा 10 ग्राम ऑफ ओजोन, 10 ग्राम ऑफ ओजोन, ओजोन भी बेटा मॉलिक्यूल्स में ही होती है, ठीक है, 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, 10 ग्राम ऑफ ओजोन और 10 ग्राम ऑफ O2, ये तीनों ही 10 ग्राम हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग, मैंने जान के क्वेश्चन बाद में लिख रहा हूं, विच ऑफ फॉलोइंग हैव, विच ऑफ फॉलोइंग हैव मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, किसमें बेटा ऑक्सीजन के एटम्स ज्यादा हैं, एंड ऑब्वियसली फोर्थ ऑप्शन इज ऑल सेम, जैसे ऑप्शनल पेपर होता है ना, तो एक ऑप्शन नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव होता है, तो हमने आपको दे दिया ऑल सेम, विच हैव मोर नंबर ऑफ एटम्स, किसमें एटम्स ज्यादा हैं ऑक्सीजन के, 10 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स, 10 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल, 10 ग्राम ऑफ ओजोन एंड ऑल सेम, ठीक है। नाउ चलिए अब बताना शुरू करिए, फर्स्ट वन यहां मुझे जो बोर्ड पर देख रहा है आपने, चहक बेटा, चहक
चहक। यस सर। बताइए बेटा। सर आई थिंक ऑप्शन फर्स्ट। फर्स्ट 10 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स हैव मोर नंबर ऑफ एटम्स। नेक्स्ट अरुषि बेटा। अरुषि बताओ बेटा। सर आई थिंक ऑप्शन थर्ड। दैट इज ओजोन मॉलिक्यूल 10 ग्राम ओजोन मॉलिक्यूल। ओके अक्षत बेटा आप। अक्षत सर ऑल सेम। ऑल सेम ओके। वैष्णवी हाँ बेटा कर रही हूँ करा नहीं है कोई बात नहीं अटेम्प्ट करिए। आना सर ऑल सेम। ऑल सेम एंड अभिषेक सर ए फर्स्ट वन। फर्स्ट वन चलिए बेटा और एक रह गया वैष्णवी बेटा आप बता दीजिए बाकी सबने अपना अटेम्प्ट कर ही लिया है एंड कोई बात इसका आंसर है ऑल सी। ठीक है अब पहले हम मैथमेटिक्स से समझेंगे बाद में कॉमन सेंस और लॉजिक भी लगा सकते हैं। पहले मैथमेटिक्स से समझिए ऑल सेम क्यों है। क्यों ना हम सब में सॉल्यूशन या कैलकुलेशन करके ही दिखा दें मैथमेटिक्स। पहला ऑप्शन था 10 ग्राम बेटा ऑक्सीजन के एटम का एटॉमिक वेट 16 है तो 16 ग्राम ऑक्सीजन 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। पहले ये क्लियर है पहली लाइन तभी तो कर सकते हैं भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 है हम ए ऑप्शन की बात कर रहे हैं ए ऑप्शन में एटम की बात कही है तो जो एटॉमिक वेट होता है उसमें 1 मोल एटम्स होते हैं तो 16 ग्राम में 1 मोल एटम्स होंगे इसलिए 1 ग्राम में 1/16 मोल ऑफ एटम्स हो गए और बेटा 10 ग्राम में इंटू 10 कर देंगे तो 10/16 मोल ऑफ एटम और अगर मोल वर्ड भी हटाना है तो 10/16 Na एटम्स है तो पहले का आंसर ये आएगा। फिर से समझिए बच्चों पहला ऑप्शन है फॉर ऑक्सीजन एटम्स। जब भी एटम्स की बात हो तो आप फोकस करेंगे एटॉमिक मास पे तो 16 ग्राम ऑक्सीजन जो उसका एटॉमिक मास है उसमें 1 मोल एटम्स होते हैं 16 ग्राम में 1 मोल है फिर हमने यूनिटरी अप्रोच लगाई 1 ग्राम में कितने मोल है 1/16 और 10 ग्राम का ये क्वेश्चन था तो यूनिटरी अप्रोच के हिसाब से 10 ग्राम में 10/16 मोल ऑफ एटम है क्वेश्चन में मोल नहीं है तो यहां से मोल हटा दिया तो 10/16 Na एटम्स आ गए। गुड अब सेकंड पार्ट करते हैं बी या सेकंड पार्ट था 10 ग्राम O2 मॉलिक्यूल बेटा 10 ग्राम O2 है तो O2 जब कहते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट को अप्रोच करना चाहिए क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। चलिए 32 ग्राम इसका मोलर मास हो गया और 32 ग्राम में बात पूरी लिखिएगा 32 ग्राम में 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स होंगे 32 ग्राम में 1 मोल मॉलिक्यूल्स है तो एटम कितने हैं। अरे भाई ये तो मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल में 2 एटम है ना तो 32 ग्राम में 2 × 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हो गए। समझ में आया क्या कहा मैंने भाई 32 ग्राम थे तो 1 मोल मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूलर मास में मॉलिक्यूल्स होंगे तो 32 ग्राम में आपके 1 मोल मॉलिक्यूल है और हर मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो बेटा 32 ग्राम में 2 मोल ऑक्सीजन एटम हो गए और अगर 32 ग्राम में 2 मोल एटम है तो बेटा चाहे पूरा कर लो चाहे डायरेक्ट देखो कि 16 ग्राम में 1 मोल एटम आ गए और अगर 16 ग्राम में 1 मोल एटम आ गए तो यही कैलकुलेशन तो यहां रिपीट हो जाएगी 16 ग्राम में 1 मोल 1 ग्राम में 1/16 10 ग्राम में 10/16 Na तो आंसर तो वही आ गया। फिर से समझिए कि यहां पे सेकेंड ऑप्शन में O2 था O2 मॉलिक्यूल है हमने मॉलिक्यूलर मास को अप्रोच किया मॉलिक्यूलर मास में मॉलिक्यूल्स आए
लेकिन मॉलिक्यूल आने के बाद एटम तो डबल हो गए, और बेटा एटम डबल हो गए इसलिए आंसर वही आया। थर्ड ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन था 10 ग्राम ओजोन, 10 ग्राम O3 मॉलिक्यूल्स। तो बेटा O3 का मोलर मास 48 है, तो समझ में आ गया होगा 48 ग्राम में 1 मोल, जो भी मोलर मास होता है उसमें 1 मोल होते हैं, ओजोन मॉलिक्यूल्स हुए ना, ओजोन मॉलिक्यूल। अब 48 ग्राम में 1 मोल मॉलिक्यूल है तो एटम्स कितने हैं, क्योंकि ये तो ट्राई एटॉमिक स्पीशीज है, यहां 3 एटम जुड़े हुए हैं, तो यहां एटम हो गए 3 मोल ऑक्सीजन एटम। मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल में 3 एटम है तो 1 मोल में 3 मोल एटम। अब बेटा फिर से वही कैलकुलेशन देखनी चाहिए, 48 ग्राम में 3 मोल तो 16 ग्राम में 1 मोल, तो यहां भी वही कैलकुलेशन है जो पहले दूसरे में थी, इसलिए यहां तीनों में एटम्स का नंबर सेम आएगा, इसलिए आंसर 4 करेक्ट है, ऑल हैव सेम एटम। अब बेटा इसको कहानी से जोड़ के देखिए, शायद जल्दी समझ में आए। सपोज मैंने ये एक वट एवर यू कैन से जो डायग्राम बन गया वो एप्पल लिया, ठीक है, एप्पल जैसा बन गया तो एप्पल लिया, तो ये एक एप्पल है, पहले मैं सिंपल वैल्यू ले रहा हूं, ये एक एप्पल लेट सपोज 10 ग्राम का है, ये 10 ग्राम का एक एप्पल है मान लेते हैं बस। अब मैंने एक पैकेट बनाया है जिसमें एक एप्पल है, दूसरा पैकेट बनाया है जिसमें ऐसे 2 एप्पल है, ठीक है, ये ऐसे 2 एप्पल है, एक जीरा एक जीरा, ये 2 है, और एक और पैकेट बनाया है जिसमें 3। बेटा एप्पल को मत सोचना ज्यादा, केमिस्ट्री से जुड़े रहना, ये समझ लेना कि केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, ये रिलेट करा रहा हूं ओ एटम से, ये O2 से, ये O3 से, ठीक है, ज्यादा आयरन प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है, यहां से ऐसे खर्च करो बाजार से खाओ। तो ये 10 ग्राम एप्पल था, ये भी 10 ग्राम है, एक एप्पल का वेट, एक एप्पल का वेट 10 ग्राम है, यहां भी एक एप्पल का वेट 10 ग्राम है और एक एप्पल का वेट 10 ग्राम है, ऑब्वियस सी बात, ठीक है। अब ये 3 अलग अलग पॉलीपैक्स हैं, 3 अलग अलग पॉलीपैक्स हैं और सब में एक एप्पल का वेट 10 ग्राम है, एक एप्पल का वेट सब में 10 ग्राम है। अब बच्चों जरा कॉमन सेंस सोच के देखिएगा, अगर अगर किसी ने लेट सपोज 300 ग्राम लिए, चाहे इसके चाहे इसके चाहे इसके, अगर 300 ग्राम लिए तो 300 ग्राम इसके लेंगे, इसके लेंगे, इसके, 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट, तो किसमें एप्पल्स ज्यादा निकलेंगे, अगर 300 ग्राम लें, नंबर ऑफ पॉलीज नहीं पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ बैग नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं अगर 300 ग्राम तीनों का वेट है, मतलब चाहे वो एक पॉली में 3 है, एक पॉली में 2 है, चाहे एक पॉली में 1 है, अगर 300 ग्राम की पॉली पैक है तो 300 ग्राम के अंदर एप्पल किसमें ज्यादा होंगे, तो ये बात ठीक है कि यहां 300 ग्राम के लिए 10 पैकेट लेने पड़ेंगे, यहां 300 ग्राम करने के लिए 15 पैकेट्स होंगे, क्योंकि एक पैकेट का वेट 20 है, और यहां 300 करने के लिए 30 पैकेट्स होंगे, और ये जो भाषा पैकेट है ये मोल हो गई, लेकिन मैंने पैकेट पूछे ही नहीं है, मैंने तो पूछे हैं कि एटम्स किसमें ज्यादा है, मतलब एप्पल्स किसमें ज्यादा है। अब भैया 10 पैकेट है लेकिन हर पैकेट में 3 एप्पल है, 10 पैकेट है हर पैकेट में 3 एप्पल तो 30 एप्पल हो गए, 15 पैकेट हर पैकेट में 2 एप्पल तो भी 30 एप्पल हो गए, 30 पैकेट हर पैकेट में 1 एप्पल 30 हो गए, तो नंबर तो सेम ही आया, समझ में आ रहा है। अब इस वाली कहानी को 2 बारी सोचिएगा, फिर समझिएगा एटम और मॉलिक्यूल में क्या अंतर है। बेटा जो एप्पल था वो एटम था, जब 2 एप्पल हो गए, ए फॉर एप्पल, ठीक है, बी फॉर बड़ा एप्पल, तो ये बड़ा एप्पल जो 2 एप्पल है, जे 2 एप्पल का वेट ये एक साथ है तो ये O2 हो गया, और ये 3 एक साथ हो गए तो O3 हो जाएगा। एग्जाम्पल को सोचिए, एनालाइज कीजिए, देन वी विल अगेन डिस्कस अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की।
पहले किसी बच्चे को कोई डाउट है अभी तक की पढ़ाई में वो पूछेगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। अरुषी, अक्षत, वैष्णवी, आहाना, अविशी, इतने बच्चे अभी दिख रहे हैं मुझे। आप में से किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछ लीजिए। नहीं, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे, आप सबके पास क्या शीट है ये बता दीजिए। मॉर्निंग वाली शीट आपने खोल के देख ली है? मॉर्निंग से अब तक तो टाइम मिल गया होगा आप लोगों को। यस सर। बेटा सबने देख ली है? बोलिए। अनुराग पांडे, अनुराग पांडे बेटा माइक ओपन करिए, अनम्यूट करिए, आई मीन टू से अनुराग पांडे, ये आज भी व्रत पे हैं क्या? चलिए ये अभी बात नहीं करना चाह रहे हमसे। अनुराग पांडे आवाज आ रही है हमारी? कोई बात नहीं। चलो बच्चों नेक्स्ट, अगले की बात करें। एक सेकंड में थोड़ा सा सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। नाउ बेटा अब हम क्वेश्चंस करेंगे जो शीट दी है उसमें। अगर आपने कर लिए हैं शीट में तो आप पहले मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, अपने डाउट बता दीजिए। फर्स्ट फाइव में कोई डाउट है? अगर आपने कर लिए क्योंकि आपको टाइम मिला है, मॉर्निंग के बैच में तो टाइम ही नहीं मैंने दिया था, जस्ट शीट भेजी और क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए तो मैंने ही बताए थे। और अब आपको क्योंकि टाइम मिला है देन आई वांट टू नो, अगर फर्स्ट फाइव में आपको कोई डाउट है तो पूछें, नहीं किए हैं। बोलो बच्चों। बेटा बताना तो पड़ेगा ना, तभी तो मैं आपको नॉट डन कर पाऊंगा। हाँ जी बेटा। सर नॉट डन। Not done. आपका तो चलो मेरे को रीजन क्लियर है why not done, hardly matter. अरुषि? No sir, no doubt. कोई बात नहीं। And वैष्णवी and other, वैष्णवी, आना, अविशी, आप लोगों ने? नहीं किए। ठीक है चलिए। तो मैं आपको पहले पांच क्वेश्चन को ही दोबारा डिक्टेट कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम ऑफ सिल्वर। मास ऑफ वन एटम ऑफ सिल्वर, बच्चों सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108, ठीक है, दैट इज 108 ग्राम पर मोल। मतलब सिल्वर के लिए हम कहेंगे कि अगर 108 ग्राम होंगे तो वन मोल या इतने एटम्स हो जाएंगे, इतने एटम्स का मास 108 होगा क्योंकि एटॉमिक मास में वन मोल एटम होते हैं। तो अगर इतने एटम्स का मास 108 है तो एक एटम का मास कितना है? तो बेटा एक एटम का मास दिस अपॉन एवोगैड्रो नंबर, मैंने इसको एवोगैड्रो नंबर या एनए लिख लिया है, और आंसर में यूनिट लिखना मत भूलिएगा, इसलिए ग्राम लिखना जरूरी है। ठीक है बेटा, मैंने पहला क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है, पहले का ए पार्ट। किसी को डाउट है? नहीं है। अब बेटा अगर डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो पहले का बी पार्ट और सेकंड का ए बी सी तीनों जल्दी से अटेम्प्ट करके देखिए क्या कोई डाउट आ रहा है। आप अटेम्प्ट करिए, मैं इसलिए रुक गया हूं, अब आप अटेम्प्ट करिए। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का बी और सेकंड पूरा। फर्स्ट का बी है वन मॉलिक्यूल ऑफ नेप्थिलीन C10H8 गिव मास ऑफ वन मॉलिक्यूल
of naphthalene, that is C10H8. इसका मोलर मास 128 हो जाएगा, 120 इसकी वजह से 8. वन मॉलिक्यूल का मास पूछा है बेटा, वन मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स का मास 128 ग्राम है. जब आपके इतने मॉलिक्यूल है तो मास 128 ग्राम है. सिंपल यूनिटरी अप्रोच, एक मॉलिक्यूल का मास पूछा है, 128 डिवाइडेड बाय दिस, 128 को आप इससे डिवाइड करेंगे, एक मॉलिक्यूल का आपको मास मिल जाएगा. बोलो बच्चों, कोई डाउट? डन बच्चों? अक्षत, क्योंकि लास्ट आपने बेटा ज्वाइन किया है, तो बेटा अक्षत अगर आपको समझ में आ गया तो होप सो ये पहले से बैठे हैं ना, थोड़ा ज्यादा आएगा. अक्षत आप बताइए कि आपको सर आ गया समझ, इजी था? यस सर, वेरी गुड. तो बेटा सेकंड क्वेश्चन अक्षत, जो आपके पास अगर शीट है तो पढ़ लेंगे, क्या है? यस सर. बेटा बताओ, कर लोगे? सर अभी ट्राई करता हूं. कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम ऑफ C14 ठीक है बेटा. हमें पूरी मैथमेटिक्स करके आंसर मैच नहीं करना, आपका खाली मेथड एप्टीट्यूड अप्रोच वो सही होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 14 बाय एन है, वेरी गुड. समझ में आया कि 14 ग्राम वेट हो गया C14 का, और इतने अमाउंट में वन मोल होगा, और वन मोल में पार्टिकल होते हैं एवोगैड्रो नंबर, तो इतने पार्टिकल का मास 14 ग्राम है, और एक एटम का मास पूछा है, और इसलिए एक एटम का मास आ गया 14 बाई एन ए. और बेटा यूनिट हमेशा ध्यान रखिए, एग्जामिनर यही नंबर आपके कट करते हैं कि आपने यूनिट नहीं लिखी है. नाउ बेटा अविशी, सेकंड पार्ट क्या आपको इसका क्लियर है? यस सर. बेटा आंसर बोलिए, सेकंड पार्ट का कैसे लिखेंगे? क्या इमेज ब्लर आ रही है आपके भी स्क्रीन पे? यस सर. अब सर आप ठीक है? बता दिया करो अगर ब्लर आए. ठीक है, बताइए बेटा. सर नाइट्रोजन एटम का मास 14 ग्राम होता है, इसमें मॉलिक्यूल है तो 28 ग्राम्स हो जाएगा. गुड, सेकंड पॉइंट. तो देन 28 ग्राम्स कंटेन 6.02×10^23 मॉलिक्यूल्स. सो एक मॉलिक्यूल का वेट सर इसे उल्टा कर देंगे क्या? हम आंसर बोलो बेटा. सर इसका आंसर आएगा 28 अपॉन एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, और बेटा इसको जरूरी नहीं आप लेफ्ट राइट में हमेशा लिखें, तभी होगा. आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, चाहे इधर लिखो उधर लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता. वेरी गुड, 28 अपॉन एनए आंसर है बेटा. सिमिलरली थर्ड का आंसर है 18 अपॉन एनए. थर्ड का आंसर है बच्चों 18 अपॉन एनए. बताओ बेटा अरुषि, क्लियर है 18 अपॉन एनए? यस सर, क्लियर है. ठीक है बेटा. वैष्णवी आप बताइए, फोर्थ दे रखा है, दैट इज फोर्थ 100 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज. तो बेटा पहले एक मॉलिक्यूल का वेट, सुक्रोज का वेट होता है 342, तो 342 अपॉन एनए करेंगे तो एक मॉलिक्यूल का वेट आएगा. 100 मॉलिक्यूल का पूछा है तो 342 अपॉन एनए इनटू 100 कर देंगे. बोलो बेटा क्लियर है? यस सर. वेरी गुड. अब बेटा क्वेश्चन नंबर, बेटा अब अगले क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड. कैलकुलेट मास ऑफ 1 AMU और यू इन सर. हाँ बेटा, फोर्थ वाले का आंसर क्या बताया था आपने? बेटा फोर्थ में सुक्रोज का क्वेश्चन था, सुक्रोज का मोलर मास होता है 342 को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल आएगा, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ 100 मॉलिक्यूल आएगा. और बेटा आंसर शीट में आगे लिखे हुए हैं, लेकिन हम आंसर मैच में अभी नहीं दौड़ रहे,
हमारा है अप्रोच बनाना, ठीक है। अभी आप अप्रोच बनाइए, आंसर्स की दौड़ में मत आइए, ठीक है। मैथमेटिक्स आई मीन टू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट मास ऑफ वन AMU और वन U, वन यूनिट जिसे हमने केमिस्ट्री में माना है यूनिटरी वैल्यू, वन यूनिट। तो ये वन यूनिट केमिस्ट्री में माना किसे है, वन ट्वेल्थ ऑफ वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। तो वन ट्वेल्थ ऑफ वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड वन यू, वन AMU या वन यूनिट इसे माना है। जैसे सपोज दैट अगर हमने 200 रुपए का नोट लिया और उसे कह दिया भाई ये आज से हमारी वन यूनिट हो गई, मतलब इसको हम वन मानेंगे। तो अगर किसी के पास 2000 रुपए हैं तो उसके पास 10 यूनिट्स हो गए, उस 200 से वो 10 टाइम्स ज्यादा है। तो ऐसे यहाँ वन यू इस चीज को माना है। तो अब इसको कहा ग्राम में, बता दो वन यू में ग्राम कितने हैं। तो बेटा पहले वन एटम ऑफ कार्बन का वेट निकाल रहे हैं, कार्बन में इतने एटम्स का वेट, इतने एटम्स का वेट 12 ग्राम है। तो वन एटम का वेट कार्बन में आएगा 12। तो बेटा ये आ गया वन एटम का मास। अब बच्चे वन एटम के मास आने के बाद उसका वन ट्वेल्थ भी करना है, वन ट्वेल्थ वेट ऑफ कार्बन का है, तो वन ट्वेल्थ किया, और जब 1/12 किया तो ये आंसर बचा 1/Avogadro नंबर। और अगर इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा नियरली 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। बच्चों मैं डायरेक्ट भी कह सकता था कि 1U में कितने ग्राम होते हैं, 1U में 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम होते हैं। कैसे होते हैं ये मैंने अब आपको करके दिखाया है कि 1U में इतने ग्राम कैसे हैं। डन, क्लियर है? यस सर। बोलो बच्चों। यस सर, क्लियर है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 होगा, है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 इज कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ O2 एट NTP। फिलहाल NTP HTP एक ही वैल्यूज हैं, 22.4 लीटर ही मानना है दोनों में, ठीक है। तो NTP HTP अभी आपके लेवल में कोई कंफ्यूजन या कोई भी डिस्टिंग्विश लेवल नहीं है। तो यहां है 11.2 लीटर O2 और उसमें पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम। बेटा ये क्वेश्चन है 11.2 लीटर ऑफ O2 और आपसे पूछा है कैलकुलेट और गिव नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। मॉलिक्यूल बताओ और एटम बताओ, ये दो चीजें कही। तो सबसे पहले 11.2 लीटर ऑक्सीजन जो है वो कितने मोल्स है पहले ये बना ले। तो बेटा 11.2 लीटर डिवाइड बाई 22.4, तो वेरी गुड, ये हो गया हाफ मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। लेकिन उन्होंने मोल नहीं कहे, उन्होंने सिंपल नंबर कहा है, ये वर्ड हटाना है। तो हाफ इंटू NA या Avogadro ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। बेटा मोल हटा के जब नंबर लाना हो तो वन मोल में 6.022 × 10³³ मॉलिक्यूल होते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हाफ इंटू NA मॉलिक्यूल ऑफ O2 और ऑक्सीजन। अब बात करनी है एटम, बताइए बेटा एक मॉलिक्यूल के अंदर दो ऑक्सीजन के एटम है। ये 20 नहीं लिखा है, ये लिखा है ऐसे, वन मॉलिक्यूल ऑफ O2 कंटेन्स टू मोल्स या टू ऑक्सीजन एटम। एक मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन एटम है, तो बेटा जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उसके डबल ऑक्सीजन एटम होंगे। मॉलिक्यूल आए हैं हाफ इंटू NA, तो ऑक्सीजन एटम आएंगे डबल, तो ट्वाइस इंटू हाफ इंटू NA
ये कैंसिल हो गया, ये आ गया एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इस समय ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? डायरेक्टली Na एटम्स ऑक्सीजन के आए हैं। बोलो बच्चों, कोई डाउट है? नो सर। गुड, एनी डाउट? पांचवें क्वेश्चन में किसी बच्चे को या व्हाट एवर द क्वेश्चन नंबर, फोर्थ में या फिफ्थ में कोई डाउट है? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। 94, द मास ऑफ 94.5 ml ऑफ ए गैस एट STP फाउंड टू बी 0.2331 ग्राम, कैलकुलेट मोलर मास। भाई 94.5 ml का मास गिवन है और कंसेप्ट क्या है? मोलर मास तब कहलाएगा जब 22.4 लीटर का मास पता हो। तो बेटा 94.5 ml का मास पता है, ये 94.5 ml का मास है, तो 1 ml का मास भी आ गया, 1 ml का मास ये आ गया। 1 ml के मास आने के बाद, क्योंकि हमें चाहिए 22.4 लीटर का मास, तो बेटा 22.4 लीटर्स को ml में जब लिखते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 22.4 लीटर हो गया 22,400 ml। इसका मास बताना है, तो बेटा 1 ml का मास कितना है, तो 22,400 ml का मास कितना आएगा, तो ये आपकी कैलकुलेशन होगी। आगे आप ग्राम लिख सकते हैं, या अगर यहाँ यूनिट ना लिखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये मोलर मास आएगा, इसकी सही यूनिट होती है ग्राम पर मोल, और नहीं तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट जो भी आएगा विदाउट यूनिट तब भी चलेगा। तो मास या मोलर मास जब भी पूछा जाएगा तो 1 मोल का मास निकालना है। 94.5 ml का मास पता था, फिर हमने 1 ml का मास निकाला, और क्योंकि 1 मोल में 22,400 ml है, तो 22,400 ml का मास यूनिटरी अप्रोच से ऐसे आया। सेकेंड इसकी अप्रोच होती है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन अप्रोच क्या कहती है कि मोल इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू वॉल्यूम एट STP अपॉन, अगर ऊपर ml है तो 22,400, यहाँ वेट की वैल्यू रखी, यहाँ वॉल्यूम की, ये निकाल दिया। ये तीन चीजें हमें पता है, चौथी चीज अपने आप आ जाएगी, और यही आंसर आएगा, चेक कर लो, क्योंकि वेट की जगह आप रखोगे 0.2331, मोलर मास निकालना है, वॉल्यूम 94.5 एंड इट इज 22400, एम इधर आ गया, चेक करिए यही तो आ गया, एम इज इक्वल टू दिस इंटू 22400 अपॉन 94.5। ये था आंसर नंबर फिफ्थ। बोलो बच्चों, फिफ्थ आंसर में कोई डाउट है? फिफ्थ वन में किसी बच्चे को डाउट है? नहीं है इसका मतलब। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स। बेटा क्वेश्चन नंबर सिक्स के तीन पार्ट दिख रहे हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग, मोल्स बताने हैं। बेटा पहला है 7.85 ग्राम ऑफ आयरन। बच्चों 7.85 ग्राम दे रखे हैं, वजन दे रखा है, और मोल्स ऑफ आयरन पूछे हैं, तो इट इज अ कॉमन सेंस, या तो रेक्टिफिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज मोल इक्वल्स टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट, जब मोल ऑफ एटम निकाल रहे हैं 7.whatever the value डिवाइडेड बाई दिस, तो ये आ गए मोल्स ऑफ आयरन एटम्स। आयरन एटम्स के मोल्स आएंगे बच्चों। तो जो भी आपको क्वांटिटी गिवन थी, आई होप सो यही थी 7.85, तो आयरन एटम्स में एग्जिस्ट करता है नेचर में, इसलिए यहां पे 7.85 अपॉन एटॉमिक मास लगा दिया है। अब बेटा इसके बाकी तीन क्वेश्चन, मतलब सिक्स का पार्ट टू पार्ट थ्री बाकी दो ही बचे हैं, ये आप खुद अटेम्प्ट करिए। पार्ट वन मैंने कर दिया, पार्ट टू और पार्ट थ्री आप करिए। सर सिलिकॉन का एटॉमिक मास कितना होता है? बेटा सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 24 है, एटॉमिक मास 29 होगा, ठीक है, तो आप इसको 29 ले लीजिए अभी। ओके सर।
अब दैट इज सिलिकॉन वाले क्वेश्चन में जो बच्चों से गलती होती है वो क्या है, 4.68 मिलीग्राम दे रखे हैं, इतने मिलीग्राम दे रखे हैं, और जल्दबाजी में एग्जाम में ये मिलीवर्ड स्केप हो जाता है, दिखता नहीं है, या एग्जामिनेशन प्रेशर फोबिया में हो जाता है। फिलहाल इतने मिलीग्राम ऑफ सिलिकॉन थे, तो बेटा इतने ग्राम हो गए, मिलीवर्ड हटाना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो 4.68 × 10⁻³ ग्राम है। अब मोल्स बनाना है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मोल होता है, इसे डिवाइड कर लीजिए 29 से, व्हाटएवर द आंसर वो उतने मोल्स हो जाएंगे। तो आपका आंसर आना था 4.68 × 10⁻³ अपॉन 29। तो इसमें 10⁻³ गायब मत कीजिएगा। नाउ इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है सिलिकॉन वाले में? बोलो बेटा। नो सर। नहीं है। वेरी गुड बेटा, नेक्स्ट इसी का थर्ड पार्ट है। बताओ बच्चों, थर्ड पार्ट में क्या इंपॉर्टेंट है? 65.6 क्या है ये? बोलो बेटा, 65.6 सर नैनोग्राम? नहीं, नैनो नहीं है, माइक्रोग्राम। माइक्रो। वेरी गुड। तो ये म्यू जो सिंबल होता है वो माइक्रो का होता है, और वैल्यू थी आपकी शायद 65.6 माइक्रोग्राम, तो वो 65.6 × 10⁻⁶ ग्राम, इतने कार्बन है। अब आपको निकालना है मोल्स ऑफ कार्बन एटम। तो बेटा ये ग्राम हो गए, और इसको मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो ये मोल्स ऑफ कार्बन एटम आएगा। वो देख लीजिएगा C12 है या C14, कुछ नहीं गिवन है तो C12 है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7th, अरे बेटा इसे टिक कर लो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 101% एक बारी आपके टीचर जरूर पूछेगा इस क्वेश्चन को, हर स्कूल में, या तो फर्स्ट टर्म में, या सेकेंड टर्म में, या फाइनल में, कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है। वो बात अलग है, हीलियम की जगह वो कभी कभी नाम बदल सकते हैं, और यहाँ 52 की जगह कभी कभी वैल्यू बदल देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट करके टिक कर लीजिए, है कुछ नहीं, घटिया क्वेश्चन है वैसे। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन, यहाँ पहला है नंबर ऑफ एटम्स इन 52 मोल ऑफ हीलियम, है ना, पहला है 52 मोल ऑफ, सॉरी आर्गन कर दिया इन्होंने, यहाँ बुक में हीलियम है तो 52 मोल ऑफ आर्गन, दूसरा है 52 यू ऑफ हीलियम, और तीसरा है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। मैं इसको भी हीलियम लिख रहा हूं क्योंकि बुक में यही है, दूसरा है 52 यू ऑफ हीलियम, KMU वाला यू, और तीसरा है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। नंबर ऑफ एटम्स तीनों में बताना है, गिव नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, ठीक है। पहले बेटा आप लोग खुद ट्राई करिए, मैं जानबूझ के जा रहा हूं। हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है, हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो एटॉमिक मास हीलियम का 4 होता है, बताइए बेटा। अब कौन बताएगा पहले? बेटा आना, बेटा आप बताइए, क्योंकि अभी तक आपने कोई आंसर नहीं दिया। सर 52 × 6.022 × 10⁻²। वेरी गुड। पहले का आंसर है कि कितने एटम्स होंगे, तो 52 मोल है, मोल वर्ड हटाना है, 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर एटम्स होते हैं, 1 मोल की वैल्यू मालूम थी, तो इतने मोल्स में कितने एटम्स हैं ये आ गए। तो पहले का आंसर आ गया 52 × Na एटम्स। पहले में किसी बच्चे को डाउट है? नहीं है। नेक्स्ट बेटा अक्षत, सेकंड आपको बताना है 52 यू ऑफ हीलियम। अक्षत? यस सर। 52 यू ऑफ हीलियम सर, 52 अपॉन Na। नहीं बेटा, गलत हो गया। आपने यू का मतलब नहीं समझा था क्या? यू का मतलब होता है 1 यूनिट,
बेटा U का मतलब होता है एक यूनिट, और हीलियम का एटॉमिक मास 4 है, यानी हीलियम का जो एटम आएगा ना वो 4 यूनिट का हो गया, जो भी एटॉमिक मास है वो यूनिट की तो है, तो वो 4 यूनिट का एक एटम बनेगा। तो जब भी 4 यूनिट होंगी तो हीलियम का एक एटम बनेगा। इससे समझो, जब भी वैल्यू AMU में दी होगी और ये लिखा है इसके एटॉमिक मास के आगे U, तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा खाली 1 एटम। तो जब भी 4 U आएंगे हीलियम के 1 एटम। फिर सुनना बेटा, वैसे अगला वाला है ये, अगर यही एटॉमिक मास ग्राम में लिखा होगा तो 1 मोल एटम, और अगर एटॉमिक मास ग्राम की जगह यू में लिखा है वही वैल्यू तो 1 एटम होता है। तो पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं सेकंड में 4 यू में 1 एटम, इसलिए 1 यू में 1/4 एटम, और इसीलिए 52 यू में 1/4 इंटू 52 इट इज इक्वल टू 13 एटम्स। यहां 13 एटम है, समझ में आया बेटा? बेटा U फॉर यूनिफाइड, यूनिफाइड का मतलब एक चीज का या उससे रिलेटेड है यूनिट से। तो यहां 4 यू जब होगा तो 1 एटम होगा, और 52 यू में कितने एटम है, क्योंकि 4 में 1 है तो 1 में 1/4 है, और 52 में 52 by 4 है 13, इसलिए अगला 13 एटम। बताओ बेटा सेकंड में किसी को डाउट? नाउ बेटा इसी का थर्ड बताइए। अब थर्ड अब थोड़ा आसान हो गया है। वैष्णवी बेटा आप बताओ थर्ड का आंसर क्या आएगा 52 ग्राम वाले का? 7 ग्राम में 6.022 into 10 to power 3 एटम्स होंगे। बेटा फिर से बोलना, 1 ग्राम में सर एन एटम्स होंगे 1 ग्राम में। बेटा क्यों गलती कर रहे हो? मैंने अभी तो लिख के बताया था आपको कि हीलियम का एटॉमिक मास 4 है, और अगर ये एटॉमिक मास 4 है तो जब 4 ग्राम होंगे जो एटॉमिक मास होता है उसमें 1 मोल एटम होते हैं बच्चे, तो 4 ग्राम में 1 मोल एटम, और हमें से यहां मोल नहीं पूछा है खाली नंबर पूछा है, तो 4 ग्राम में एनए एटम्स, 4 ग्राम में एनए एटम, आपने कह दिया 1 ग्राम में, ये गलती है, 4 ग्राम में एनए एटम, तो 1 ग्राम में Na/4 एटम, और 52 ग्राम में 52 इंटू Na/4 यानी 32 Na एटम्स, और ये मल्टीप्लाई करके आंसर देंगे। बोलो बेटा अब आया समझ में? गलती समझ में आ गई? चलिए ये हो गया बेटा हमारा 7th क्वेश्चन। नाउ इसके बाद 8th क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हो भी चुका है वही है, बस यहाँ मीट्रिक टन दे रखा है। बेटा मीट्रिक वैल्यूज मालूम ही होंगी, स्क्वायर क्यूब करना आता ही होगा आपको, ठीक है? तो अब ये शीट आपकी होमवर्क के लिए है। पहले 7 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, बाकी आपको करने हैं। बच्चों हर टॉपिक के हम 2 शीट्स करने की कोशिश करेंगे। 2 शीट्स क्या होंगी, एक होगा ऑब्जेक्टिव लेवल जो हम कॉम्पिटिशन को मान के चलेंगे, और एक होगा सब्जेक्टिव लेवल जो 12th के लिए है, क्वेश्चन है विद पैटर्न सॉल्व करिए। एक है, 4 ऑप्शन है, आप करिए। बेटा वेरी क्लियर इन माइंड कर लो, ये जो लोग कहते हैं ना कॉम्पिटिशन इज समथिंग डिफरेंट देन दिस, ऐसा कुछ नहीं है, बेस क्लियर है तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाइए, आपको समझ में आएगा। अगर आप लेवल एकदम से जंप करेंगे तो नहीं आ सकता, तो कॉम्पिटिशन लेवल ऑब्वियसली आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं इनिशियल, क्योंकि आपको अभी थोड़े वर्ड्स कम पता है, मोलैरिटी नहीं पता, आगे के कुछ कंसेप्ट नहीं पता, तो कंपटीशन के सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम आपको अभी उतने ही क्वेश्चंस दे रहे हैं जो आप इजीली या जो अप्रोच बना के कर लें। तो ये वाली शीट आप होमवर्क में है, ये करिए। बेटा शीट तब तक सप्लाई होती रहेगी जब तक डिमांड आएगी, मतलब आप करोगे आप पूछोगे तो आपको मिलेगी, लेकिन अब आप ये सोचोगे हम करें ना और ये देते जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, और इसका पूरी क्लास से कोई मतलब भी नहीं होता। आप हर बच्चा इंडिविजुअल है, कोई बच्चा मुझसे कहेगा मुझे चाहिए, मैं उसे क्लिक करूंगा, 1 क्लिक में आप तक पहुंच जाएगी, और अगर आप डिमांड नहीं करोगे तो मैं लगातार सप्लाई भी नहीं करूंगा, ठीक है?
तो अब आपका नेक्स्ट टर्न पे, अगला टर्न जब हमारा कल होगा, तो हम ये चाहेंगे कि आप मुझसे डायरेक्ट कहें कि क्वेश्चन नंबर 9 नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 11 ऐसे किया, 12 ऐसे किया, 15 नहीं आया। तो आप डायरेक्ट डिस्कशन मोड में आ जाएं। डिस्कशन मोड क्या होता है कि आप उससे पूछें, जब मैं आपको जवाब दूं तो आप उसका फिर रीजन मांगे कि यार ऐसा क्यों नहीं हुआ और वैसा क्यों नहीं हुआ। तो ये डिस्कशन मोड तभी आ सकता है जब आपको समझ में आ रहा हो। इज इट क्लियर? तो बेटा इस शीट को अब आप कल करके रखेंगे, कल शाम को हम इसका डिस्कशन दोबारा करेंगे प्रॉब्लम्स का। ओके, अगर प्रॉब्लम खत्म होंगी तो कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज स्टोशियोमीट्री। ठीक है बच्चों? थैंक यू सर। ओके सर। ओके बेटा, हैव ए नाइस टाइम, बाय, गॉड ब्लेस।